कांग्रेस की संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी ने पार्टी को कहा है कि इलेक्शन के लिए तैयार रहें। इस बारे में और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ है दैनिक हिंदुस्तान के एडिटर इन चीफ शशि शेखर जी। आइए उन्हीं से बात करते हैं। सर, क्या मैसेज देने की कोशिश की गई और आखिरकार सोनिया गांधी ऐसा क्यों कह रही है कि इलेक्शन के लिए पहले से तैयार हो जाए? इलेक्शन के लिए पहले से तैयार होने का जो उनका मैसेज है बहुत साफ है। उसकी दो वजह है। अभी 8 राज्यों में इनको चुनाव में उतरना है। कांग्रेस को उम्मीद है कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में वो अच्छा कर सकते हैं, एंटी इनकम्बेंसी का उन्हें लाभ मिल सकता है। कांग्रेस को ये भी उम्मीद है कि कर्नाटक में शायद वो अपनी सरकार बचा ले जाएं। तो अगर वो ये पूरी दृढ़ता के साथ नहीं बोलेंगे, कार्यकर्ताओं को मैसेज नहीं देंगे कि आपके लिए करो या मरो का समय है, तो कार्यकर्ता उस ताकत के साथ, आत्मविश्वास के साथ मैदान में नहीं उतरेगा। चुनाव प्रचार वहां शुरू हो गया है ऑलरेडी। तो ऐसे में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज दिया कि आप पूरी ताकत से लड़िए और ये हमारे लिए बिल्कुल अच्छा अवसर है। सर, सोनिया गांधी ने एक और बात कही कि राहुल हमारे पास है। तीन मैसेज थे इसके। एक मैसेज कांग्रेस के अंदर के लिए था कि कृपया अपनी लिमिट को पहचाने, अब कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी हैं, आपकी सारी बातें यहां आकर समाप्त हो जानी चाहिए, जिसमें मैं भी शामिल हूं, पार्टी में अब कोई दूसरा ध्रुव नहीं है। दूसरा मैसेज उनका बहुत स्पष्ट था अलाइंस के लिए कि अब आप ये मान लें कि यदि आपको कांग्रेस के साथ कोई भी समझौता करना है तो राहुल गांधी ही उसके सर्वे सर्वा होंगे। तीसरी बात, यूपीए की चीफ थी मिसेस गांधी बहुत दिनों तक। तीसरी बात, मतदाता के लिए उनका मैसेज था कि राहुल गांधी को अब गांधी परिवार का एक नौजवान चिराग समझने से के साथ साथ देश की सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर भी रिकॉग्नाइज करें, मैं अब एक कदम पीछे जा रही हूं। सर, राहुल गांधी की जब हम बात करते हैं तो राहुल गांधी गुजरात इलेक्शन से पहले और अब कितना फर्क आया? मुझे लगता है कि शायद इंसान नहीं, समय भगवान होता है। तो उनका समय पहले ठीक नहीं चल रहा था। गुजरात इलेक्शन में उनके पास से सही बैठे और उनकी हार बहुत सम्मानजनक थी। कभी कभी राजनीति में ऐसा होता है कि पराजय भी जीत के से सुख का एहसास कराती है। तो जब कांग्रेस बहुत बुरी हालत में हासिल प्राप्त हो रही थी हर जगह, ऐसे में गुजरात का चुनाव जहां नरेंद्र मोदी ने 17 साल हुकूमत की हो, वो उनके लिए बहुत सुखद सा उनको प्रतीत हुआ और इससे उनकी इमेज में बढ़ोतरी हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, अगर राहुल गांधी की जब हम बात करते हैं तो अब जो पार्टी है ऐसा लगता है थोड़ा उत्साह आया है उसके अंदर और ये भी लगता है वो मैदान मारने की फिराक में है या उनको लगता है कि हमारे फेवर में चीजें, ऐसी क्या चीजें हो गई जो लगता है उनके फेवर में चले जाएगा? ऐसा तो ग्राउंड पे तो कुछ दिख नहीं रहा। 4 साल मोदी जी को हुकूमत करते लगभग हो गए हैं। मई के बाद पूरी तरीके से केंद्र सरकार भी इलेक्शन बोर्ड में चली जाएगी। इन इतने सालों में, इतने विशाल देश में सबकी अपेक्षाएं पूरी करना संभव नहीं था, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को कुछ बातें कहने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जब वो अवसर प्राप्त हो रहा है तो उस अवसर का लाभ मुख्य विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस उठाना चाहती है। लेकिन क्या कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल मिलकर मोदी के खिलाफ खड़े होंगे? यदि नहीं खड़े होते हैं तो विन-विन सिचुएशन मोदी के फेवर में जाती है। क्या कांग्रेस के अंदर इतनी शक्ति है कि वो इन मुद्दों को जनता के सामने सड़क पर ले जाए और जनता को शामिल होने का न्योता दे? ये राहुल गांधी को भी प्रूव करना है, क्योंकि अब अभी तक कांग्रेस राज्यसभा के एक निश्चित दायरे में बैठे हुए लोगों की, राज्यसभा में बैठे हुए कुछ लुटियस डेली के नेताओं की पार्टी हुई थी, नीचे से थोड़ा उसकी दिक्कत हुई थी। राहुल गांधी ने इसे बदलने की कोशिश शुरू की है, अगले चुनाव तक कितना कर पाएंगे ये उनकी बड़ी अग्नि परीक्षा है। सर, सोनिया गांधी ने विपक्षी एकजुटता की भी बात कही और उसके लिए प्रयास करने की भी बातें कही गई, तो लगता है विपक्षी एकजुटता हो पाएगी? 2 बार देश में विपक्षी एकजुटता हुई, उसके परिणाम विपक्ष के पक्ष में गए, क्योंकि हश्र बहुत खराब हुआ। अब क्या एक बार फिर विपक्ष एक होगा? उनके अपने अंतर विरोध है। सेक्युलर मोर्चा यदि बनाने की बात करते हैं तो क्या वामपंथी और ममता बनर्जी एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हो सकते हैं? अखिलेश यादव और मायावती क्या एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हो सकते हैं?
तो ये जो अंतर विरोध है, आपने नीतीश कुमार और लालू यादव जिनकी राजनीति एक ही विचारधारा से, एक ही मंच से, एक ही जगह से शुरू हुई थी, उनका आश्रय देख लिया, तो ये जो अंतर विरोध है ये इस एकता की राह का सबसे बड़ा रोड़ा है। सर अब राहुल गांधी की बात करते हैं, राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो एक बार अपनी पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास फिर से जगा पाए। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी इसलिए नहीं है कि कांग्रेस की स्थापना सबसे पहले हो गई, कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी इसलिए है कि वो इतने साल अपने अस्तित्व को कायम रख सकी। अस्तित्व को कायम वो इसलिए रख सकी कि उसकी बहुत सी चीजें देश के मूल चरित्र से मेल खाती है। तो ये तो प्रिविलेज की बात हो गई या ये एक गुणधर्म की बात हो गई, अब इसको आगे ले जाना उनका सबसे बड़ा चैलेंज है। सर एक आखिरी सवाल, अगर मोदी सरकार की बात करें तो 4 साल हो गए हैं या होने वाले हैं, लेकिन अगर हम उस दौरान की उपलब्धियों की बात करें, क्या ऐसा लगता है कि ग्राउंड पे मोदी के कुछ खिलाफ जा रहा है, कुछ नाराजगी है लोगों में? देखिए सबके, एक तो पिछले चुनाव के दौरान शायद ये यकीन आज के सत्ताधारी पक्ष को नहीं था कि वो सत्ता में आ सकेंगे या इतनी शक्ति से आ जाएंगे। और बहुत से लोगों ने बहुत से वादे कर दिए, अकेले मोदी जी ने वादे किए हुए ऐसा नहीं, औरों ने भी किए। उन सारे वायदों को इतनी जल्दी एग्जीक्यूट करना संभव नहीं था। तो कुछ बातें तो हो रही हैं, साहब ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि आज तक मोदी देश के सबसे लोकप्रिय रहता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और इसको वो कितना संजोए रख सकते हैं ये मोदी के सामने बड़ा चैलेंज है। तो सर कांग्रेस कितना जो है ग्राउंड गेन कर पाएगी आने वाले दिनों? ये अभी थोड़ा सा जो उपचुनाव है ये बताएंगे, जो अभी अगले महीने होने हैं, और जैसे उपचुनावों ने राजस्थान में उनको थोड़ी दम दी, अगर कुछ फेवरेबल बातें उनके फेवर में आती हैं तो यकीनन कांग्रेस को थोड़ा इससे ताकत मिलेगी, राहुल जी को ताकत मिलेगी। और फिर 8 राज्यों के जो चुनाव हैं उसका हमें इंतजार करना पड़ेगा कि वो कैसे पासे चलते हैं। गुजरात में उन्होंने जिस तरह की राजनीति की वो लोगों को पसंद आई, और राहुल गांधी एक राष्ट्रीय नेता है, तो वो अगर गुजरात में संबोधित कर रहे थे तो उसका असर बाहर भी पड़ना था। जैसे मोदी जी कोई भाषण देते हैं तो किसी खास जगह पर असर पड़े ऐसा नहीं है, उनके त्रिपुरा के भाषण का असर और जगहों पर भी पड़ता है। तो इन लोगों को सोच समझ के बोलना पड़ता है। तो राहुल गांधी ने एक शिष्ट संयत, बहुत ही तार्किक, आंकड़ों के आधार पर बात करने वाले नेता के तौर पर अपनी छवि गढ़ने की शुरुआत की है। ये कितना बुलंद होगी आने वाले दिनों में ये देखने के बाद।